हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेबी केयर विद अंजू में। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, ये 5 सिम्टम्स भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी की शुरुआती संकेत ना करें नज़रअंदाज। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल बेबी केयर विद अंजुम को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब महिला कंसीव करती है तो शुरुआती महीनों में उन्हें कई तरह के लक्षण नज़र आते हैं। इनमें से सिर दर्द, सिर घूमना, उल्टी होना, जी मचलाना, खाने का मन ना करना, मॉर्निंग सिकनेस होना जैसे तमाम लक्षण शामिल हैं। इसके अलावा कुछ महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी होती है। इस तरह के लक्षणों को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि महिला गर्भवती है। इसके बाद उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में कुछ अजीबोगरीब लक्षण भी नज़र आते हैं? इनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हर दूसरी गर्भवती महिला प्रेगनेंसी की शुरुआती चरण में इनसे गुजरती है। इनके बारे में जानकर आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रख सकते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज होना। यूं तो प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज होना सामान्य होता है, इसलिए इसे अक्सर प्रेगनेंसी से जोड़कर नहीं देखा जाता है। जबकि ज़्यादातर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीनों में वजाइनल डिस्चार्ज सामान्य से ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल का स्तर बढ़ जाता है, ऐसे में कई बार महिला को वजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। यही वजाइनल डिस्चार्ज का कारण बनता है। अगर वजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत गंध, जलन, खुजली भी हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। सिर दर्द, ऐठन और बार बार पेशाब आना। जैसा कि आप जानती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंज होता है, ऐसे में ब्लड वॉल्यूम में भी बदलाव हो जाता है। शरीर में हो रहे कई तरह के बदलाव के कारण कई महिलाओं में सिर दर्द की समस्या हो जाती है। कुछ गर्भवती महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। ये दर्द पीरियड में होने वाले दर्द जैसा होता है। यही नहीं, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में बार बार पेशाब भी होता है। वैसे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ऐसा होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में भी इस तरह की समस्याएं देखने की मिलती हैं। कब्ज की समस्या। प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या होना भी बहुत आम है। इसकी वजह यह है, जैसे जैसे गर्भ में पल रहे शिशु का आकार बढ़ता है, उसका दबाव बाउल मूवमेंट पर पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसे में महिला को कब्ज की शिकायत हो सकती है। स्पॉटिंग होना। ज़्यादातर महिलाओं को यही लगता है कि कंसीव करने के बाद महिलाओं को पीरियड नहीं होते हैं, जबकि हर महिला के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में स्पॉटिंग होने लगती हैं, वहीं कुछ महिलाओं को लाइट ब्लीडिंग भी होती है। असल में ऐसा तब होता है कंसीव करने के बाद 2 वीक्स तक इस तरह की ब्लीडिंग को नॉर्मल ब्लीडिंग समझा जा सकता है। आपको बता दें कि कई बार प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना किसी गंभीर बीमारी की ओर भी इशारा करता है, या जैसे कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकता है। इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। कंसीव करने के बाद से ही महिला की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, वह आसानी से इन्फेक्शन या बीमारी की चपेट में आ सकती है। प्रेगनेंसी की शुरुआती महीनों में महिला को आसानी से फ्लू, बुखार हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी की शुरुआती महीनों में महिला को बहुत संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि महिला का बीमारी का बुरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।